हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल एमके ग्लोजोन। और मैं हूं ममता। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं तीन ऐसी गलतियां जिनकी वजह से हम पतले हो ही नहीं पाते। अगर आप ये तीन गलतियां करना बंद कर दो तो मैं गारंटी देती हूं कि आपको पतला होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कौन कौन सी है वो गलतियां? हम करते अनजाने में हैं, लेकिन वो ही तीन गलतियां हैं जो हमें पतला होने नहीं देती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो तीन गलतियां, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली, जो 100 में से कम 95% लोग करते हैं, कि जब हमें पता होता है कि हमें वेट लॉस करना है, या मुझे पता होता है कि कल से मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो आज से ही मैं चार लोगों को बताना शुरू कर देती हूँ कि यार कल से तो मैं वेट लॉस पे हूँ, चल आज ये खा लेती हूँ, कल से तो मैं वेट लॉस पे हूँ, चल आज ये खा लेती हूँ। तो ये जो गलती है कि लोगों को बताना, खाना गलती नहीं है, गलती है लोगों को बताना। जी हाँ, अगर आप अपने आसपास के लोगों को ये बता दोगे ना कि आप कल से वेट लॉस कर रहे हो, तो कभी भी वो आपका वेट कम होने नहीं देंगे। चाहे कितने भी वो आपके शुभचिंतक हो, कितने भी अच्छे दोस्त हो, वो आपको यही कहेंगे कि यार तू ऐसी अच्छी लगती है, क्या करेगी पतली होके। क्योंकि वो खुद पतले नहीं हो सकते, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप भी पतले ना हो, और अगर आप पतले हो गए तो उनका मोटापा कुछ ज़्यादा दिखने लग जाएगा। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि आप भी पतले ना हो। और वो ऐसे बोलते हैं, यार खा ले एक टुकड़े से क्या होता है, यार ये खा ले इतने से क्या होता है, मैंने कहीं पढ़ा था इसको खाने से वेट वेट नहीं बढ़ता, बल्कि इसको अगर ज़्यादा खाओगे तो वेट कम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी फेस करनी पड़ती है जब आप लोगों को बता देते हो कि आप वेट लॉस करने वाले हो कल से। अगर आप इस चीज़ को सीक्रेट रखोगे कि आप वेट लॉस कर रहे हो, या कोई चीज़ आपको कोई ऑफर करता है, तो आप ये बोलने की जगह कि नहीं यार मैं डाइटिंग पे हूँ, ये बोल सकते हो कि मुझे ये पसंद नहीं है चीज़, मैं नहीं खा रही, या मेरा अभी मन नहीं है, मैं नहीं खाना चाहती। इतनी लाइन अगर आप बोल दोगे तो वो काफ़ी होगी, बजाय कि आप दो दिन पहले से ये गाना शुरू कर दो कि मैं वेट लॉस पे हूँ कल से, और कल से मैं वेट अपना जो है लूज़ कर रही हूँ, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोशिश करनी है, आप जब भी वेट लॉस करना स्टार्ट करो, आप कभी किसी को मत बताओ कि आप वेट लॉस करने वाले हो। ओके, सेकेंड, जब हम अपने जो डाइट का खाना होता है उसके लिए किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं, मतलब कि अगर मैं हूँ और मेरी मम्मी है, और मैं मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी मेरा आज आपको लंच भी पैक करना है, आज मेरे दो टाइम के मिड मील्स भी पैक करने हैं आपको, आज मेरा शाम का जो है आपको ग्रीन टी के लिए पानी भी बॉयल वाले की अलग बॉटल, 3 लीटर की अलग बॉटल। तो जब हम इस तरीके की चीज़ें किसी और को दे देते हैं ना, तो हमारा जो है वेट लॉस का जो जर्नी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। हमें उस चीज़ के लिए खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता है, क्योंकि कोई भी हो, चाहे आपकी भाभी हो, आपकी मम्मी हो, चाहे कोई भी बंदा हो, वो आपके लिए लॉन्ग टाइम तक ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके अपने भी बहुत सारे काम होते हैं। मम्मी का सुबह बहुत सारा काम और लोगों के लिए भी होता है, वो आपके अगर 7-8 टिफ़िन पैक करने लग गई तो उनको कितना टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आप खुद 15-20 मिनट पहले उठो, रात को ही प्री प्लान करके सोओ कि सुबह आपको क्या लेके जाना है। ठीक है, आप मॉर्निंग में उठो, सबसे पहले अपने फ्रूट्स कट करो, अपना सैलेड कट करो, अपना जो है आपको ड्राई जो भी लेके जाना है, लाइक ड्राई फ्रूट्स हो गए, या मखाने हो गए, या आपको चने हो गए, ये सारी चीज़ों को आप पहले से प्रिपेयर करके अपने बैग के अंदर रखो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि किसी और के ऊपर अगर आप डिपेंड होगे तो आपकी जो भी जर्नी होती है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने ही ऊपर डिपेंड होगे, आप खुद, आपको पता है मेरे को 15 मिनट पहले उठना है और ये सब चीज़ कट करनी है, तो आप बहुत अच्छे टाइम तक इसको जो है फॉलो कर पाओगे, अपनी जो है अपना जो वेट लॉस है उसको फॉलो कर पाओगे। ओके, तो इस चीज़ को आपको जो है फॉलो करना है कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपको 15-20 मिनट पहले उठना है, और अपना जितना भी है पूरे दिन भर का सारा मील घर से ही लेके जाना है, और खुद प्रिपेयर करके लेके जाना है। तो आप देखोगे, आपको इस तरीके से देखकर आपके फैमिली मेंबर भी इंस्पायर होंगे। आप अपने लिए खुद इनिशिएटिव लो, दूसरों के ऊपर डिपेंड होना बंद करो। थर्ड है डाइटिंग। जी हाँ, अब आप कह रहे हो कि वेट लॉस तो ये बता रही है, लेकिन कहती है डाइटिंग मत करो। डाइटिंग के अलावा भी वेट लॉस होता है। जिन लोगों को ये लगता है ना कि वो डाइटिंग करके पतले होंगे, तो मैं अगर बताऊं उनको कि अगर वो डाइटिंग करके, पहले तो पतले होते नहीं है डाइटिंग करके, बॉडी में डेफिशिएंसी और हो जाती है किसी ना किसी चीज़ की, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी पतले हो गए तो फिर उनका जब भी वो खाएंगे तो उनका वेट जो है वो बाउंस बैक ज़रूर होगा, ज़रूर आएगा वापस वो वेट। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हो, आप अपने खान पान को चेंज करते हो अच्छी चीज़ों से,
तो वो चीज़ आपकी लाइफ टाइम चलेगी और आपका वेट कभी भी बाउंस बैक नहीं करेगा। सीरियसली अगर मैं बताऊँ, तली हुई चीज़ें बेकार होती हैं, मैदा बेकार होता है, रिफाइंड शुगर यानी वाइट शुगर जो है वो बेकार होती है। तो ये तीन चीज़ अगर मैं अपनी लाइफ स्टाइल से हटा ही दूँ, प्रॉपर इसको बाहर ही कर दूँ, तो कभी भी इन चीज़ों की वजह से मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मैंने डाइटिंग करी, रोटी चावल सब छोड़ दिया, दाल पी और सैलेड और फ्रूट्स पे रही, मेरा 10 किलो वेट कम भी हो गया। लेकिन जब मैंने रोटी खानी शुरू करी, मैंने चावल खाना शुरू करा, वापस मेरी बॉडी में जब कार्ब्स गया तो वापस से मेरा वेट बढ़ने लग जाएगा। तो इसीलिए रोटी चावल छोड़ना नहीं है, क्वांटिटी कम करनी है, अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलरीज जाने से रोकना है, बट बॉडी को काम करने के लिए जितनी कैलरीज चाहिए उतनी कैलरीज उसको ज़रूर दें। ठीक है, उन कैलरीज को कट करके कि रोटी छोड़ दी, कि चावल छोड़ दिए, कि जो और कार्ब्स की चीज़ें हैं उनको छोड़ के आपकी बॉडी में ना तो एनर्जी रहेगी, ठीक है, फिर आपका कुछ दिन बाद खुद ही मन नहीं करेगा वेट लूज करने का, आपको लगे अरे यार मैं तो वीकनेस हो गई थी, चक्कर आने लग गए थे मेरे को, तो मैं वेट ही नहीं अपना कम कर रही, मैं ऐसी ठीक हूँ। तो वो तभी होता है जब आप सब चीज़ें छोड़ के अपनी जो है डाइटिंग करते हो। अगर आप वेट लॉस करोगे और अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो आप सुबह से लेकर शाम तक आप अभी क्या खा रहे हो, आप उसकी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, उसके बाद देखो इनमें से क्या ऐसी गंदी चीज़ है जिसको छोड़ने से मेरी बॉडी को एक पैसे का भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो है ज़्यादा ऑयल, घी तेल वाला खाना, बाहर का खाना, ठीक है, और मीठा, बेफालतू का मीठा जो हम खाते रहते हैं हर टाइम पे, चलो खाने के बाद ये चीज़ चाहिए तो खा ली। क्रेविंग एक अलग चीज़ होती है, क्रेविंग दिन भर में एक बार लगती है, हर खाने के बाद क्रेविंग लग रही तो क्रेविंग नहीं है, आपकी आदत बन चुकी है मीठा खाने की, ठीक है। तो ऐसी गंदी आदतों को अपने लाइफस्टाइल से आप हटाओ, देखोगे आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका वेट अपने आप जो है लूज़ भी हो जाएगा और मेंटेन भी रहेगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं जिनकी वजह से आप जो है पतले नहीं हो पाते हो, ठीक है। आप इन चीज़ों को छोड़ो और जिस तरीके से मॉडिफाई करने को मैंने आपको बताया है आप करोगे तो डेफिनेटली आपका वेट भी जाएगा और आपकी बॉडी में किसी तरीके की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। और लोगों को जब दिखेगा ना आप में फ़र्क तो खुद आपसे पूछेंगे वेट लॉस कर रही है क्या, ये बता दें यार तेरा तो सही वेट हो गया कम, ठीक है। जब लोग ऐसे बोलने लग जाए तो समझ जाना आपकी मेहनत रंग ला रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने वेट को कम कर सकते हैं और ये गलतियां अब आगे नहीं दोहराना अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो। ये था मेरा आज का वीडियो, वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।